पंजाब सहित देश के कई राज्यों में प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की टीम इन सभी राज्यों के अलग अलग मामलों में रेड कर रही है। बिहार में एक बड़े नेता के करीबियों के ठिकाने पर रेड चल रही है, तो वहीं बिहार और यूपी के गोरखपुर बनारस से आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। वहीं अगर बात करें राजस्थान की, तो करीब 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर सहित अन्य जगहों पर भी सर्च की कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि जयपुर में रीट पेपर मामले को लेकर ईडी फिर से एक्टिव हो गई है। करीब 10 से भी ज्यादा लोकेशन पर ईडी की छापेमारी जारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब के लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज में ईडी ने दबिश दे दी है। शहर की पॉश फिरोज गांधी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज का दफ्तर स्थित है। ईडी ने वही आज सुबह सुबह शहर के पॉश इलाके में रेड कर दी है। दूसरी तरफ बात कर ले मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के सीहोर के बुधनी में आईटी की रेड चल रही है। ट्राइडेंट कंपनी में छापेमारी चल रही है। यहां पर करीब 50 सदस्यों की टीम कई गाड़ियों से आई थी, लेकिन अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं दी गई। टीम के अंदर मौजूद दस्तावेज खंगाली जा रही है। उधर ईडी ने जम्मू, कठुआ, पठानकोट में 8 अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। ये छापेमारी आरबी एजुकेशन ट्रस्ट के खिलाफ दर्ज पीएमएलए केस में की गई है। आपको बता दें कि ट्रस्ट के जरिए वन्य की भूमि की खरीदी और बिक्री करने का आरोप है। वही ट्रस्ट के अधिकारियों पर भी आरोप है कि अधिकारियों ने इस काम को अंजाम देने के लिए जिले के राजस्व और वन अधिकारियों को घूस दिया है, ताकि वन्य भूमि की खरीदारी करवा दे। इस मामले में सीबीआई भी कार्रवाई कर चुकी है। सीबीआई ने इस ट्रस्ट से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले में कई बार छापेमारी की है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से ईडी ने लगातार भ्रष्टाचार के मामले पर कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु अलग अलग मामले पर छापेमारी हो रही है। वही आपको ये भी बता दें कि इनमें से ज्यादातर मामले मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हैं।